हम बात कर रहे हैं डिसीशन मोटर के बारे में। डिसीशन मोटर के बारे में आपने देखा कि इस पर सीरो की पहचान कैसे की जाती है। अब आप देखेंगे डीसी मोटर को स्टार्ट कैसे करना है। जब अपन डीसी मोटर को स्टार्ट करने के बारे में बात करते हैं तो अपन देखते हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट है आर्मेचर, दूसरा होता है इसकी जो वाइंडिंग होती है, इसका नाम है शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग SH1 SH2 A1, ये इसके दो कंपोनेंट है। चूंकि ये शंट वाइंडिंग है तो इन दोनों अवयवों को क्या करते हैं अपन समांतर में लगाते हैं। जैसे मैंने जैसे अपन वहां पर देखते समांतर में क्या होता था, किन्हीं भी दो कंपोनेंट को अपन उस इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से। इसी क्रम को देखते हुए इन दोनों को भी अपने को इसी क्रम में लगाना है। जैसे यहां मान लीजिए यहां पे फिर आएगा, यहां ले लीजिए ये वाइंडिंग आ जाएगी, तो इन दोनों को अपन यहां लगाते हैं इसी क्रम में। तो देखते हैं ये आपका आर्मेचर A1 A2, ये आपका फील्ड की वाइंडिंग SH1 SH2। इन दोनों क्या करना पड़ता है, समांतर क्रम में लगाना पड़ता है। और डी जाती है डीसी की सप्लाई। तो यहां आपने क्या देखा कि आर्मेचर और शंट वाइंडिंग इन दोनों को अपने समांतर क्रम के अनुसार लगा दिया। अब जैसे ही आपको डी सप्लाई दोगे ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और इसी मोटर के साथ अपन बात करते हैं कि इसको रिवर्स कैसे किया जाए। ये जो मोटर है, जब बात करेंगे अपन इस मोटर को रिवर्स, यानी ये सीधी घूम रही है इसको उल्टा कैसे करें या उल्टी घूम रही है इसको सीधा कैसे करें, तो उस केस में क्या करते हैं अपने को या तो शंट वाइंडिंग को चेंज करना पड़ता है या आर्मेचर की वाइंडिंग, दोनों में से कोई एक को आप चेंज कर लीजिए। तो यहां देखते हैं अपने क्या करना है कि मैं क्या करता हूं, ये जो ड्रॉइंग है इसी में देख लेते हैं कि मैं सबसे पहले तो मैं चेंज करता हूं इसको आर्मेचर को। यदि मैं यहां आर्मेचर के दो सिरों को चेंज कर देता हूं, यहां ए वन था, मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूं ऐसे, ध्यान दीजिए, तो यहां मैं लिखता हूं A2 यहां E1, आर्मेचर हो गया। मान लेते हैं पहले मोटर आपकी फॉरवर्ड में घूम रही थी, तो अब जो आर्मेचर आपने सिरे चेंज किए उस केस में क्या होगी, आपकी मोटर अब रिवर्स में घूम जाएगी। या यदि आप इनको चेंज नहीं करना चाहे कोई वाली बात नहीं, तो अपन इनका नाम वापस चेंज कर देते हैं। नहीं काम कर यहीं पर दूसरी मैं ड्राइव नाम लेता हूं, आर्मेचर है H, यहां अपने पहले पूर्वी सदी में नाम था A1 A2 था, और SH1 है SH2 डीसी सप्लाई। तो ये पूर्व की स्थिति थी, यहां आपने इनको चेंज किया, अभी अपन सर इन दोनों को चेंज करेंगे। तो यहां से क्या करता हूं मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूं। देखिए आप ये वापस मैंने वाइंडिंग बना ली, और जहां SH1 था वहां SH2 कर दिया, और यहां SH1 कर दिया। तो ये पूर्व स्थिति और ये इसको अपने चेंज किया है SH2 SH1, जिसका क्या हुआ यहां का जो चुनौती सूत्र है वो रिवर्स हो गया, जिसका क्या हुआ आपका आर्मेचर की घूमने वाली दिशा भी चेंज हो गई, जो पहले फॉरवर्ड में था अब यही चीज रिवर्स हो गई। तो आप रिवर्स करने के लिए या तो आर्मेचर की दिशा में आर्मेचर के सिरों को चेंज कर लीजिए,
या संघ वाइंडिंग के सिरे को चेंज कर दीजिए।